छत्तीसगढ़ में सार कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। किसानों के लिए राज्य सरकार कृषक उन्नति योजना शुरू की जा रही है। इसके तहत किसानों को 19,255 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से आदान सहायता राशि दी जाएगी। वहीं मीसा बंदियों और उनके आश्रितों को सम्मान निधि और बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही महानदी भवन में रात तक चली बैठक में राज्य सरकार ने आतंकवाद, नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवाद जैसे मामलों की जांच और कार्रवाई के लिए प्रदेश में राज्य इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के गठन का निर्णय लिया है। इसमें एसपी सहित 74 नए पद होंगे। ये एनआईए के साथ समन्वय के लिए राज्य की नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगी। साथ ही संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश के स्थान पर 30 दिनों के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी। राजीव नगर आवास योजना का नाम एक बार फिर बदलकर अटल बिहार योजना करने का निर्णय लिया गया है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने इस योजना का नाम 2021 में बदलकर राजीव नगर आवास योजना कर दिया था। अनुकंपा नियुक्ति के तहत कार्यकाल में अग्रेषित आवेदन प्राप्त होने पर जिला कलेक्टर रिक्त पदों पर नियुक्ति करेंगे।